नमस्कार, इस समय उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से बड़ी खबर। बदायूं के मुख्य डाकघर में आधार कार्ड संशोधन होने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों लोग डीएम से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। यहां लोगों ने बताया कि यहां पूरे दिन लाइन में लगने के बाद भी आधार कार्ड संशोधन नहीं हो पा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खबर। कोरोना काल से शुरू होते ही बैंकों में आधार कार्ड संशोधन व बनना बंद हो गए। इसके बाद मुख्य डाकघर में आधार कार्ड संशोधन का काम शुरू हुआ, जिसके बाद से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लोगों को मुख्य डाकघर में आधार कार्ड संशोधन कराने के लिए कई दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसके बाद भी उनका नंबर नहीं आता है। मुख्य डाकघर में एक दिन में मात्र 25 से 30 आधार कार्ड ही संशोधन किए जाते हैं। आप लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, तो क्या मांगे आपकी? मांग ये है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, बूढ़े बुजुर्ग यहाँ आते हैं और आके आधार कार्ड संशोधन के लिए मुख्य डाकघर में जो एक काउंटर उन्होंने खोला हुआ है, लोग 6-6 चक्कर, 8-8 चक्कर हो गए। लोग 2-2 बजे से यहाँ महिलाएं बच्चे छोटे छोटे लेके आके यहाँ लाइन में लगते हैं और एक सीमित समय रखा गया है कि 25 टोकन दिया जाएगा और 25 टोकन के बाद खोल दिया जाता है कि आप घर चले जाइए। वहाँ पे अभी गार्ड साहब मिले थे, वो कह रहे हैं मंडे को आइए, अंदर से जो एक सूचना आई, एक अंदर से जो आई थी, वो कह रहे हैं कि आप एक महीने बाद आइए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये सिस्टम करना क्या चाहता है। ये सरकार की जो नीतियाँ हैं बिल्कुल एकदम फेल हो गई है। गवर्नमेंट सरकार बिल्कुल फेल है। लोगों को आधार कार्ड चाहिए, सरकारी विभागों के अंदर कोई बीमार होता है तो उसको आधार कार्ड को लिए बोलते हैं और यहाँ आधार कार्ड संशोधन के लिए आता है तो आधार कार्ड उसका संशोधन नहीं होता, उसको लिए बाहर कर दिया जाता है, जिससे दूर दराज से आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सैकड़ों लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ डीएम से मिले और मुख्य डाकघर के आधार कार्ड संशोधन न होने की शिकायत की। वहीं इस मामले में डाक अधीक्षक मनोज कुमार का कहना है कि स्टाफ की संख्या में कमी होने की वजह से आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि मुख्य डाकघर के अलावा भी सासवान सिटी ब्रांच, इस्लाम नगर, गुन्नौर और दातागंज में भी आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा है। उस क्षेत्र के लोग यहां दूर न आकर अपने क्षेत्र में भी आधार संबंधित कार्य करा सकते हैं। आइए देखते हैं, इंडिया पावर न्यूज़ के लिए मोहम्मद आरिफ खान की एक रिपोर्ट। सर, आधार कार्ड को लेकर जिस तरीके से कनेक्शन को लेकर आरोप लग रहे हैं कि आधार कार्ड सही कराने आएंगे तो खाता खोलना बहुत ज़रूरी है, ये कहां तक सही है? ऐसा कुछ नहीं, आधार कार्ड सही कराना हो या नया बनवाना हो उसमें खाता खोलने कोई अनिवार्य नहीं, लेकिन इच्छा है उसकी, अगर खोलना चाहे खोल ले, ना खोलना चाहे। पब्लिक परेशान है, उनका ये कहना है कि काफ़ी दिन लग रहे हैं, एक एक महीना लग रहा है, कई डेट्स दी जाती हैं तो उनका जो काम नहीं हो रहा है, तो पब्लिक बड़ी परेशान है। दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर भीड़ लगती है और उसके बाद ये होता है कि उनका काम नहीं हो पा रहा समय से। इसमें स्टाफ की प्रॉब्लम की वजह से एक दिन में 200-300 तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ 50-60-70 तक बन सकते हैं, वो बनाते हैं। स्टाफ की शॉर्टेज है और हमारे इसके अलावा जैसे बबराला है, बदायूं है, चू है, दातागंज है, गुन्नौर है, इस्लाम नगर है, इन ऑफिसों में भी आधार कार्ड बनवाए जा सकते हैं, बनवाए हैं और मशीनें हमारी सब चालू हैं। पब्लिक से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पब्लिक वहाँ की वहीं बनवाए, यहाँ बनाइए तक ना। तो आपके माध्यम से उनको वहाँ तक की जानकारी देने के लिए कि साहब यहाँ पर स्पॉट्स हैं, हाँ, तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को पता चले वहाँ पर? तो प्रयास न्यूज़ पेपर में हम निकलवा देंगे कि वहाँ यूनियन के आगे हमारे आधार कार्ड बनने हैं और उस क्षेत्र का व्यक्ति यहाँ तक ना आके अपने स्पॉट पर जाए, बनवाए वहाँ पर। और उसके लिए अलग से भी हम कुछ सोच रहे हैं कि अलग से भी गांव गांव जाके कैंप लगाएं, जिससे कि पब्लिक को यहां तक भी आने की जरूरत है, उसके गांव में ही सुविधा हो जाए। जैसा कि मैं विचार कर रहा हूं, परसों भलकुइयाँ में कैंप लगाने के लिए सोच रहा हूं, परमिशन मैंने मांगी है लखनऊ से और परमिशन संभवतः आ जाएगी परसों।